हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सपीरियंस में। एंड देखिए, काबुल एयरपोर्ट पे अटैक कर दिया है आईएसआईएस ने। ठीक है, तो आईएसआईएस ने 60 अफगानी लोगों को, जो कि वहाँ से निकलना चाह रहे थे एयरपोर्ट्स के माध्यम से, और उनको और 12 अमेरिका के जवानों को मार दिया है। ठीक है, और ये संख्या अभी बढ़ भी सकती है। एंड देखिए, आईएसआईएस ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। एक होता है ना, जैसे कि ह्यूमन बम क्या होता है कि जैसे किसी आदमी को बम लगा के भेज दिया गया था इस भीड़ वाले इलाके में। ठीक है, तो क्या हुआ है कि जैसे चारों तरफ से घिरा हुआ है एयरपोर्ट एंड काबुल का, तो यहाँ से जैसे कि कई जगह से लोगों को एंट्री दी जा रही है, ठीक है, जो वहाँ से निकलना चाहते हैं। तो फिलहाल क्या था कि इसी भीड़ में, यहाँ पे करीब हज़ारों हज़ारों लोग खड़े हैं भीड़ों में, तो इन्हीं भीड़ में उसमें से दो तालिबानी, दो जो आईएसआईएस के थे, ह्यूमन जिसको या फिर ह्यूमन बम स्क्वाड जिसको बोलते हैं वो लोग, ठीक है, तो उनमें से दो लोगों को भेज दिया था उन्होंने। तो भीड़ में घुस के उन्होंने अपना बम जो है कि उसको फोड़ दिया। तो यहाँ पे बहुत सारे अफगानी लोग और अमेरिका के भी 12 जो ट्रूप्स थे उनके, उनकी मौत हो गई इसकी वजह से। देखिए, सबको पता है कि देखिए, तालिबान जैसे जैसे बढ़ेगा ना, वैसे वैसे आईएसआईएस या फिर बोको हराम जैसे जो और भी आतंकी संगठन है, जो जिहादी संगठन है, उनको भी इससे सह मिलेगा। ठीक है, तो ये भी अपना पैर पसारने की पूरी कोशिश करेंगे, ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था। और देखिए, अभी अमेरिका से निकला भी नहीं अफगानिस्तान से, और ये चीज़ें शुरू होनी हो गई हैं। और अभी देखिए, तालिबान और ये आईएसआईएस के जो लोग हैं, ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अभी और भी अटैक किए जाएंगे। ठीक है, अमेरिका और बाकी जो देश हैं उनके ऊपर और भी अटैक किए जाएंगे, क्योंकि यहाँ से जो इस्लामिक लोगों को निकाला जा रहा है, उनको लगता है कि ये गलत कर रहा है अमेरिका, यहाँ से लोगों को निकाल के और आपस में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से ये सब ऐसी हरकतें कर रहे हैं। इसके पहले देखिए, तालिबान और अफ़गानिस्तान में भी थोड़ा, तालिबान और आईएसआईएस में थोड़ी टकराहट हुई थी जब अमेरिका ने पूरी तरह से अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। तो क्या हुआ था, तालिबान बहुत ही छोटे से, जैसे बड़ा, इतना बड़ा अफगानिस्तान है, ठीक है, तो मान लीजिए इतना बड़ा सा अफगानिस्तान है, तो क्या हुआ था कि तालिबान थोड़े से जगह में सिकुड़ गया था। तो इधर से क्या हुआ था कि आईएसआईएस ने भी अपना ठीक ठाक पकड़ अफगानिस्तान में बढ़ा लिया था। तो फिर इन दोनों में, तालिबान और आईएसआईएस में, थोड़ा सा टकराहट देखने को मिला था। फिर बाद में अब तालिबान जैसे जैसे इस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है अफगानिस्तान पे, तो आईएसआईएस भी उससे थोड़ी सी समस्या झेल रहा है। एंड यही कारण है कि ये अब हमला करना शुरू कर दिए हैं लोगों पे, अपने ही लोगों पे। अगर कहें कि एक ही कौम के लोग हैं, फिर भी ये हमला कर रहे हैं एक दूसरे पे। एंड देखिए, बहुत सारे देश जो हैं वो अपने लोगों को निकाल रहे हैं, अमेरिका निकाल रहा है, अभी अमेरिका के करीब 1,000 सेना वहाँ पे है, ओके, और बहुत सारे करीब 20,000-25,000 लोगों को निकाले हैं वहाँ से, अफगानिस्तान के लोगों को अलग अलग देशों में ले जाया जा रहा है, कनाडा है, यूरोपियन यूनियन है, भारत अपने लोगों को निकाल रहा है। एंड इस प्रकार से लोगों को निकाला जा रहा है। लेकिन देखिए, अब आने वाले समय में देखिए, आईएसआईएस के और भी हमले होंगे, और अफ्रीका में देखिए, जो बोको हराम है वो भी एक जिहादी संगठन ही है, एंड वो भी अब अफ्रीका में अपने पैर पसारना शुरू करेगा। सो प्रॉब्लम देखिए इंटरनेशनल लेवल पे अब बढ़ती जाएंगी। एंड आप कंटिन्यू रहिए। थैंक यू।